प्रेफरेंस जो देते, अलग अलग रिकॉर्ड जो मैं तुम्हें देती हूँ गेम्स के, कि इस चैनल पर ये गेम्स आती हैं या देखा करो, उसका कोई मायने या उसका कोई बेनिफिट होता है, ठीक है ना, तभी हम आपको करवाते हैं। नाउ बिफोर एनीथिंग, आपको मैंने करवाया था कि वार्मिंग अप क्या होता है, ठीक है ना बेटा। वार्मिंग अप का शायद फ्लो चार्ट भी हमने बनाया था, जिसमें था कि फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप थी, फिर फिजियोलॉजिकल में एक्टिव पैसिव थी, फिर एक्टिव पैसिव में जनरल और स्पेसिफिक वार्मिंग अप होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जनरल वार्मिंग अप और स्पेसिफिक वार्मिंग अप क्या है। जनरल इज वेयर वी हैव टू डेवलप ऑल आर हेड टू टोज, जितने बॉडी पार्ट्स है उनको फ्रेश करना या उनको टोन अप करना, एंड टू मेक फाइव कॉम्पोनेंट्स जो है उनको बिल्डअप करना है। हमारा मेन पर्पस ये होता है जब हम जनरल वार्मिंग अप करते हैं। स्पेसिफिक वार्मिंग अप इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ गेम्स। हर जो गेम है उसके अलग अलग जो है एक्सरसाइजेस होती हैं। सारी गेम्स के लिए एक ही एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल इज देयर और हॉकी इज देयर, ठीक है, रग्बी है, रनिंग है ना, ये सारी, इसलिए मैं इनके नाम लिख रही हूँ। इनमें क्या है बेटे, हमारा मैक्सिमम जो वर्किंग है वो हमारी लेग्स की, ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स हो गए, लेग्स हो गई, या हमारी फुट का है वर्किंग। पूरी बॉडी तो ऑब्वियसली मूव करेगी, लेकिन हमारी लेग्स की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड का होना ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारे हेड का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपने देखा होगा फुटबॉल में मोस्टली हिटिंग करते हैं हम हेड के साथ। अब रग्बी में क्या है, स्प्रिंट होती है, ठीक है ना, बॉल को लेके भागना है और दूसरे के गोल पॉइंट में जाकर रखना है। ये क्या है, ये हमारी मूवमेंट्स जो है वो रिलेटेड टू क्या है, रनिंग से रिलेटेड है। तो हमें जब एक्सरसाइजेस करनी होंगे, स्पेसिफिक वार्मिंग अप करनी है किसी भी गेम की, तो हमने उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है, ठीक है ना। मैंने इसमें जॉगिंग करनी है, स्प्रिंट्स करनी है, या वार्मिंग अप में मैंने यहाँ पर स्ट्राइड्स लगानी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लेग्स को ज़्यादा पावरफुल करना है। अगर मैंने बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, तो मुझे पता है मेरी एंकल की एक्सरसाइजेस ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पर रोटेशन है, बैक हैंड है, स्मैश के लिए मैंने हिट करना है, या मेरे शोल्डर्स की एक्सरसाइजेस जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने वहां पर अपनी नेक की, बैक की, ट्रंक की जो है वो एक्सरसाइजेस मेरी ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू फुट। रीजन भी क्योंकि एरिया ही लिमिटेड है, इसलिए मैंने वहां पर किस तरीके से फुटस्टेप्स फॉरवर्ड लेने हैं, बैकवर्ड लेने हैं, या बैक हैंड करना है, तो मेरी मूवमेंट्स जो है वो हैंड की जो है, एंकल की, एल्बो की, फिंगर्स की, नेक की, ये ज्यादा रहेगी, तो मैंने इनके एक्सरसाइज पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। ऐसे ही क्रिकेट है, क्रिकेट में दोनों चीजें हैं, रनिंग है चाहे बिटवीन द विकेट्स हैं, चाहे फील्डिंग में है, वहां पर रनिंग का, हैंड शॉट, फुट का, ये सारी चीजें जो है हमें प्रैक्टिसिंग टाइम में क्या करना है, नेट प्रैक्टिसिंग करते हुए बैटिंग की, ठीक है ना, मैंने किस तरीके से, या मैंने बॉलिंग करनी है इसलिए मैंने हैंड रोटेशन या शोल्डर रोटेशन कैसे करना है, मैंने बॉलिंग जिस तरीके से देनी है, या मैंने फील्डिंग करनी है या स्किप करना है, तो मैंने कैसे स्ट्रांग अपनी बॉडी को रखना है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये होती हैं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस फॉर, या वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस फॉर पर्टिकुलर गेम्स। ये अलग अलग तरीके की गेम्स के लिए इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं। जनरल वार्मिंग अप जो है वो अलग है, ठीक है बेटा। अब हम थोड़े से ट्रैक एंड फील्ड का कर लेते हैं। इवन दो मैंने ये आपको पहले भी करवाया हुआ है, पर हो सकता है कि आपने कभी इस चीज का ध्यान ना दिया हो, ठीक है बेटा। एक जनरल वार्मिंग अप में हम ले लेते, सॉरी टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स ले लेते हैं और उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको पता है या नहीं। अप्रोच वर्ड सुना है बेटे कभी? एवर हर्ड द वर्ड अप्रोच? कभी भी सुना है अप्रोच? किसको अप्रोच का मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में? वैसे जनरल बता दो क्या होता है वर्ड अप्रोच, बोलो बच्चे, मौन वर्ड तो थोड़ी रखे।
या मैम ने मना थोड़ी किया, बोलना नहीं, अब तो बोलो जब बोलना होता है। अ वर्ड इज देयर अप्रोच, क्या होगा इसका मतलब? है हाँ हाँ अप्रोच टूवर्ड्स, टूवर्ड्स है ना, उसे अप्रोच करनी मतलब उसकी तरफ जाना। ठीक है, अब जो लॉन्ग जंप है, पता है ना लॉन्ग जंप और हाई जंप में क्या डिफरेंस है? यू नो द डिफरेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस इज अ पिट जो रेत से भरी हुई होती है, ठीक है, यहाँ पर टेकिंग ऑफ बोर्ड होता है, ठीक है ना, यहां से जो एथलीट, अब ये ध्यान रखना जो ट्रैक एंड फील्ड में होते हैं उन्हें प्लेयर कभी मत कहना, क्योंकि वायमा में अगर इतनी सी बात हो गई और उसने प्लेयर सुन लिया कि ट्रैक एंड फील्ड के लिए यूज हो रहा है तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक नेम, तो एथलीट ने क्या करना है, यहां से रनिंग करनी है क्योंकि उसने यहाँ जंप लगाना है ना, ये जो एरिया है ये अप्रोच क्योंकि उसने उस तरफ आने के लिए कोशिश की, तो ये इसे एक्चुअली कहते हैं रनवे, ठीक है ना, इसे रनवे कहते हैं हम, और ये अप्रोच है, दोनों चीजें इनमें आती हैं। ठीक है ना बेटा, जब हमने, और ये सिर्फ लॉन्ग जंप के लिए नहीं, हाई जंप के लिए भी हम पीछे से आके अप्रोच करते हैं आगे अपना रिजल्ट देने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड ए अप्रोच। अब समझ में आ गया? अब कभी ये तो नहीं रहेगा, टेक ऑफ पोजीशन लेने के लिए चाहे वो लॉन्ग जंप में है चाहे हाई जंप में है, जो हम पैसेज कवर करते हैं, रनवे कवर करते हैं, उसे कहते हैं अप्रोच। समझ में आ गया बेटे? जैकलीन समझ में आ गया पक्का? अब बार क्या है, सही जगह पे ही रहना। बार किसको कहते हैं पता है? बोले आंसर दे, ये पिट है, ये हमने लॉन्ग जंप का किया है। अब हाई जंप है बेटा, हाई जंप में नॉर्मली क्या होता है, एक क्रश पैड रखा जाता है ऊंचा सा, ठीक है, यहां पर स्टैंड के ऊपर बार लगा हुआ होता है सिल्वर का, वेरी लाइट वेट, ठीक है, जिसे हमने यहां से अप्रोच करके जंप लगाना होता है, ऊंचाई पर उसको जंप लगाना होता है, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए, ये बार गिरना नहीं चाहिए, इसे कहते हैं जहां से क्रॉसिंग करते हैं बार। ये सिर्फ हाई जंप के लिए नहीं है, इवन फॉर पोल वॉल्ट भी हाइट पर जो लगा हुआ होता है उसे बार ही कहते हैं, ठीक है बेटा, जहां से जंप लगाया जाता है। और इसकी सबसे जबरदस्त और जो फेमस टेक्निक है हाई जंप की वो है फॉसबेरी, ठीक है, ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसमें जंपर जो है वो पहले अपना हेड लेके जाते हैं और उसके बाद उसके लेग्स जो है वो लैंड करती है, हमेशा टर्निंग इस तरीके से उसकी होती है बार के ऊपर से, ठीक है, इसे फॉसबेरी कहते हैं ये स्टाइल को, और ये सबसे फेमस और कॉमन स्टाइल है इसका। नेक्स्ट है डेड हीट। डेड हीट क्या होगा? ठंड पैनी है ना, जब गर्मी है डेड हो गई है तो फिर आहो नहीं। डेड हीट का मतलब है जब दो एथलीट एक साथ रनिंग करते हुए कंप्लीशन करते हैं किसी चीज का, ठीक है, उनकी कंप्लीट करने का टाइमिंग जो है वो बिल्कुल सेम हो, उसे हम डेड हीट में लाते हैं। तो अब हीट क्या है, हीट्स क्या है, व्हाट इज हीट्स, हीट्स किसको कहते हैं, कभी सुना है? सारा कुछ ऐसा गोल होया पे ना, इन्हों मैंने सबसे पहले ये चीजें सिखाई थी तुम्हें, हैं शाबाश, प्रिलिमिनरी राउंड बिफोर द फाइनल, ठीक है ना। अब मान लो कि हमारे पास ट्रैक कितने होते हैं, ठीक है, जो ट्रैक है उसमें लेन कितनी होती है इंटरनेशनल और नेशनल में? एट, कहीं कहीं एट, ओ वेरी गुड, एट या नाइन, वेरी गुड काव्या, आई अप्रिशिएट यू ऑलवेज देयर, है ना, सबसे पहली बात, और तेरी वीडियो ऑन होती है उससे भी ज्यादा चीज जो अप्रिशिएबल है। अब नॉर्मली क्या है,
एट होती हैं या कहीं पर नाइन इंटरनेशनल में आ जाती हैं। मान लो हमारे पास बच्चे हैं 35 या 35 36, देन हाउ वी कैन सेलेक्ट। हम एक साथ तो दौड़ा नहीं सकते हमारे पास ट्रैक, तो हम क्या करते हैं, हीट्स करवाते हैं। वी डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स, उनमें से बेस्ट टू, या अगर चार ग्रुप हैं तो हम उसमें से चार ग्रुप बनाते हैं, तो उनमें से बेस्ट दो दो ले लेते हैं जो फर्स्ट सेकेंड आते हैं। अगर हमारे तीन ग्रुप हैं सिर्फ, तो हम उनमें से तीन तीन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने फाइनल राउंड के लिए जो बच्चे सेलेक्ट करने हैं उससे पहले के जो ट्राइब्स होते हैं उन्हें हीट कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? मान लो जैसे आप कितने हैं, दो दो चार छः आठ नौ, नौ बच्चे हैं, ठीक है। और मान लो हमारे एग्जाम्पल के लिए, नॉट इन अ रियल, हमारे पास ट्रैक जो है वो पांच है, मीन्स लेन पांच है, तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दूंगी। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप में पांच बच्चे हैं तो मैंने उसमें से भी तीन ले लेने हैं, दूसरे ग्रुप में से मैंने बेस्ट टू लेके फाइव का काउंटिंग हो गया, मैंने उनकी रेस करवा के उसमें से बेस्ट जो है वो मैंने कौन से ले लेने, बेस्ट जो फाइव है उनकी रेस करवा के फाइनल राउंड करवा दे, ठीक है ना। क्लियर टू यू ऑल? उसे कहते हैं हीट्स। अब डिकैथलन क्या होता है? शोरूम नहीं, डिकैथलन का, डिकैथलन क्या होता है? आज एक्चुअल यूज होया मास्क का, बिल्कुल मुंह बंद करके रहना है, बोलना नहीं है ना। डिकैथलन किसको बोलते हैं? हाँ जी आप बोलिए, बाहर जाने वाला बोलो। डिकैथलन कभी सुना है वर्ड? वैसे मैंने ये करवाया और इवेंट्स भी लिखवाए हैं तुम्हें। एथलेटिक्स के थ्रोइंग प्लस रनिंग इवेंट्स, ठीक है, ये 10 इवेंट्स जो हैं, 10 इवेंट्स करवाए जाते हैं दो दिनों में, उन्हें हम डिकैथलन कहते हैं, ठीक है ना। डिकैथलन मींस 10 इवेंट्स इन टू डेज, कंप्राइसेस ऑफ टू डेज। पहले दिन में कौन कौन से करवाते हैं पता है? इसमें लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। पहले दिन करवाया जाता है 100 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप, यानी कि सारे ही एथलीट वो अटेम्प्ट करते हैं, जिस जिस में वो होते हैं वो इवेंट वो करते हैं, ठीक है ना। कई बार 100 मीटर की रेस होती है बेटे, उसमें लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है, और 400 मीटर की रेस। ये फर्स्ट डे ये इवेंट्स होते हैं, जब होता है ना कि डिकैथलन होने वाला, इसका मतलब दो दिनों में 10 इवेंट्स का कंपटीशन है, जिसमें से पहले दिन ये फिक्स्ड होते हैं, ये वाले इवेंट्स करवाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे कौन कौन से करवाए जाते हैं? 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर। अब सेकेंड डे के लिए कितने बच गए हमारे पास? सेकेंड डे के लिए 110 मीटर हर्डल्स, हर्डल्स पता है ना बेटा, देन डिस्कस थ्रो, देन पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट इज देयर, देन जेवलिन थ्रो इज देयर, एंड 1500 मीटर की रेस होती है। पहले दिन 400 मीटर की है, दूसरे दिन 1500 की है, ठीक है। फर्स्ट ही जो है उसमें रेसेस जो है बेटे वो एक है, और जंप्स दो हैं, और एक थ्रोइंग इवेंट है। दूसरे दिन रनिंग एक है, थ्रोइंग इवेंट जो है वो दो है, और जंपिंग इवेंट एक है। पोल वॉल्ट इज अ जंपिंग इवेंट, शॉर्ट सॉरी डिस्कस थ्रो, और जो हमारे पास है जेवलिन थ्रो, ये सेकेंड डे होता है, ये थ्रोइंग इवेंट में आता है, ठीक है ना बेटा। पांच पांच हो गए ना दोनों में, दोबारा बोलो क्या लिख लिए रिटर्न बेटा? 100 मीटर हर्डल्स है, डिस्कस है, पोल वॉल्ट है, जेवलिन है, एंड 1500 मीटर रेस है। अब इसी में डिकैथलन में एक हेप्टलन होता है, पेंटलन होता है, ठीक है। पेंटा मीन्स फाइव, हेप्टलन मीन्स सेवन, सेवन इवेंट्स की बाइफर्केशन टू डेज में होती है, और जो पेंटा है वो एक दिन में ही होते हैं, क्योंकि पांच उसमें इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है बेटा।
ये वर्ड है जिसको याद रखना आपके लिए बहुत ही, या पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद है हिचकिक। क्या होता है वर्ड, कभी सुना हिचकिक? पता था बंदा कितने तक जा सकता है ना। ऐसे है टेक्निक्स ना, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, अलग अलग बड़ी सारी होती हैं, और ये पर्टिकुलर नेम्स पे होती है जिन्होंने सबसे पहले उसे इजाज किया होता है या खुद किया होता है। जैसे फॉसबेरी जो है वो हाई जंप के लिए है, इसी तरीके से लॉन्ग जंप में हिचकिक है। जैसे ही जो एथलीट है वो टेकिंग ऑफ बोर्ड के बाद पास आता है, वो अपने पुशअप जो है बॉडी को वो इतनी जोर से करता है ताकि वो पिट में मैक्सिमम जो डिस्टेंस को कवर कर सके। ठीक है, इसमें एक साइक्लिक मेथड भी होता है। आपने कभी अगर देखा हो या वीडियो कभी देखी हो, जितने भी जो ओलंपियंस हैं, एशियंस हैं, वो मैक्सिमम जो है साइक्लिक मेथड या हिचकिक मेथड यूज करते हैं अपने डिस्टेंस को मैक्सिमम को कवर करने के लिए इन लॉन्ग जंप। ठीक है, क्या चीज यानी, इज इट क्लियर बेटा? हिचकिक इज अ टेक्निक फॉर लॉन्ग जंप, फॉसबेरी इज अ टेक्निक फॉर हाई जंप, हाई जंप के लिए है। लैप क्या होता है ये तो आप पता ही होगा। लैप क्या है, LAP, वो वंश बताएगा। हाँ जी बच्चे बताओ। सेरे लैप 400 मीटर, अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो उसका पूरा एक चक्कर, अगर 200 मीटर का है तो 200 का एक चक्कर जो है दैट इज काउंटेड इन लैप। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो 400 मीटर के होते हैं, जो प्रैक्टिस ट्रैक होते हैं वो 200 मीटर के होते हैं। मैराथन आपको अच्छी तरह पता है कौन सी रेस होती है, कौन सी होती है बेटे हरमन? मैराथन रेस कौन सी होती है? और कितने मील दी होती है या किलोमीटर दी होती है? मैराथन इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस ऑफ 42.195 किलोमीटर। 42.195 किलोमीटर की होती है मैराथन रेस, या 26 मील दी भी बोल, माइल्स में वो 26 माइल्स की होती है। ठीक है, क्रॉस कंट्री रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस जो है 10,000 मीटर रेसेस, ये इनके अंडर आती हैं, और ये किलोमीटर्स में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिले आपको पता है। ठीक है, एक वर्ड आता है क्लिंट। क्लिंट पता है क्या आता है, कभी सुना है? कभी जो रनिंग करते हुए एथलीट्स होते हैं उनके स्पाइक्स देखे, स्पाइक्स क्या होता है? शूज। ठीक है ना, मुंडे आंदे वो नहीं जेडे आजकल स्पाइक्स रखते हैं, शूज है। उसके नीचे जो नेल्स लगे होते हैं ना बेटे, वो किस लिए होते हैं? फॉर द फ्रिक्शंस। दोनों पर्पस है, स्लिप ना करें उसके लिए ग्रिपिंग भी है और स्टेबिलिटी के लिए भी है और रनिंग में भी हेल्पफुल है। ये टोटल एक शूज में 11 होते हैं, उससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकते। उसकी सेटिंग इस तरीके से होती है ताकि स्टेबिलिटी जो है वो बने रहे। ठीक है, ये फ्रिक्शंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज बोथ बेनिफिशियल, मेरिट और इसके डीमेरिट हैं गेम्स में। ठीक है ना, अगर बारिश हो गई है, ग्राउंड है, तो वहां पर कैसे रहता है? स्लिपरी हो गया तो लॉस है। अगर वही चीज दूसरे के लिए है, बॉल आगे तक चली गई नहीं पकड़ सके, उसका बेनिफिट हो गया। दोनों चीजें हैं, जहां पर हमें जाना है वहां के लिए इजी हो जाता है, इसलिए ये दोनों जगह पर भी बेनिफिशियल रहती हैं।